गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है नौमी पूजन का और इसके साथ साथ मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँगी विजयदशमी और दशहरा की पिक्चरें। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। अब मॉर्निंग के बज चुके हैं 5, तो यहाँ पर सबसे पहले उठ के मैंने चने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं क्योंकि उनमें लगता है थोड़ा टाइम। फिर उसके बाद मैंने अपना बेड बनाया, डस्टिंग की, और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी अपना बेड बनाने के बाद इतने मैंने डस्टिंग की, इतने मेरे चने बॉईल हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इतने मैं शावर लेने से पहले चनों को थोड़ा सा तड़का लगा दूँ ताकि इतने मैं बाकी घर के सारे काम करूँ, इतने मेरा चने बन जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आज पूजन है तो बहुत टाइम लगता है भोग बनाने में। तो यहाँ पर मैंने जो है चनों का मसाला रेडी स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं जो है चनों में अनारदाना चूर्ण डालती हूँ, जो मेरी इस बार ना हल्की सी मोटी थी तो मैंने उनको टमाटर के साथ ही पीस लिया है बहुत अच्छे से। और मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तड़का लगाने वाली हूँ क्योंकि भोग के खाने में हम कोई भी जिंजर और गार्लिक का यूज़ तो करते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल तेज पत्ता और दालचीनी और जीरा और हींग का ही तड़का लगाया है। और यहाँ पर मेरे टमाटर की प्योरी रेडी थी तो मैंने वो डाल दी है और ऐड की है। उसके बाद इतने यहाँ पर ये पकेंगे तो मैंने उसमें साथ साथ हल्दी और मिर्ची भी डाल दी है ताकि वो भी अच्छे से पक जाए और अपना अच्छा सा कलर दे दे। और यहाँ पे मैंने ऐड किया थोड़ा सा नमक ताकि वो भी अच्छे से पक जाए। उसी और साथ ही साथ इतने मेरी ये ग्रेवी टमाटर पकेंगे तो इतने मैंने सोचा क्यों ना मैं बाकी काम कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा गूँथ लिया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत ही कम आटा गूँधा है क्योंकि निक्की पूड़ी खाते नहीं है, मुझे खानी है, तो सिर्फ मैंने 7 पूड़ियों का ही आटा गूँधा है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पुए का आटा लगाया क्योंकि मेरे को ना पुए बहुत पसंद है और माता रानी के भोग के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ बनाना था। तो यहाँ पर फिर मैंने पूड़े वाला हमारे यहाँ पुए बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर इतने पुए का और उसका आटा बना के रेडी कर दिया। और यहाँ पर ये देखिएगा मैं अब इस टाइम पर डाल रही हूँ अपना थोड़ा सा धनिया पाउडर और एवरेस्ट का मसाला। और इतने मेरे और भी ये टमाटर पकते हैं अच्छे से तो इतने यहाँ पर मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर लिए हैं, मेरे पास ड्राई फ्रूट्स कटर है। और साथ साथ में मैं अब मेरे ये अच्छे से मसाला पक चुका है टमाटर का चनों वाला, तो यहाँ पर मैंने आलू अच्छे से मैश करके कि थोड़ी देर वो भी पक जाएगा ताकि चनों की ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ निक्की का टिफ़िन रेडी कर दिया क्योंकि निक्की को ऑफिस जाना था और निक्की जैसे आपको पता है डाइट पर चल रहे हैं तो वो लंच में सिर्फ फ्रूट्स ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे टिफ़िन भी पैक हो चुका है मेरा और मेरे चने भी यहाँ पर अब मैंने ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इतने शावर लेके आती हूँ, इतने मेरे चने रेडी हो जाएंगे। सत श्री अकाल, नमस्ते, सबा खैर। चल रहे हैं नवरात्रे तो जय माता दी का जयकारा तो लगाना बनता है। सभी मेरे साथ बोले जय माता दी। और आज है माता सिद्धिदात्री का दिन और माता सिद्धिदात्री का प्रिय कलर है पर्पल, तो मैंने भी मैच करने की कोशिश करी है पर प्रॉपर पर्पल तो नहीं है पर थोड़ा बहुत मैच होता है, कह सकते हैं आप इसको भी पर्पल। और माता सिद्धिदात्री हैं समृद्धि और सिद्धि की देवी जो कमल के फूल पर विराजमान है, जैसे माता लक्ष्मी विराजमान है और शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। तो मुझे तो इतना ही पता है, आपको क्या क्या पता है माता सिद्धिदात्री के बारे में तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैंने अब तक की क्या क्या प्रिपरेशन कर चुकी हूँ वो तो आप देख चुके हो और बाकी जितना प्रसाद रह चुका है आगे वो मैं अभी बनाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद लगाऊंगी मैं माता रानी को भोग और पूजा करूँगी और फिर मैं भी ग्रहण करूँगी क्योंकि यार 8 दिन हो गए हैं तो अब खाने का भी मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना रूटीन, हम बनाते हैं माता रानी का भोग।
अवर मैंने चनों में तड़का लगा दिया था और मेरे चने बहुत अच्छे से बन चुके हैं, जो काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सूजी का हलवा बनाने के लिए जा रही थी, तो आप देख रहे हो कि मैंने कैसे घी में पहले सूजी को फ्राई किया बहुत अच्छे से, और बहुत ही कम चीज़ें बनाई हैं मैंने, बिकॉज़ बहुत थोड़ी थोड़ी, हम दो ही लोग हैं तो उसी हिसाब से मैं चीज़ें बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसमें थोड़े से नट्स ऐड कर दिए हैं क्योंकि मेरी सूजी अच्छे से भुन चुकी है, ब्राउन कलर आ चुका है इसमें। और इसी टाइम पर मैंने यहाँ पर किशमिश एंड ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं, साथ साथ में मैंने चीनी भी ऐड कर दी है यहाँ पर। और अब मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी, और यहाँ पर ये देखिएगा मैंने पानी ऐड कर दिया है और मेरा हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और ये देखिएगा कितना प्यारा कलर आया है। और इस टाइम पर ना मैं यहाँ पर इसमें जो है ऐड करूँगी घी, और मैंने कुछ ज़्यादा खास मेज़र नहीं किया है, मेरे को आइडिया है कि कितना, वैसे अगर आप मेज़र के साथ बनाएं तो, अगर आप छोटी क्वांटिटी में बताऊं तो, अगर आप एक कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उसमें जो है 3 कटोरी पानी ऐड कीजिएगा और एक ही कटोरी चीनी ऐड कीजिएगा। थोड़ी सी चीनी थोड़ी कम रखिएगा अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के, मेरे को थोड़ा मीठा कम पसंद है तो मैं थोड़ा कम ही रखती हूँ। और यहाँ पर मेरा हलवा हो चुका है रेडी, और साथ साथ मैंने उसको डेकोरेट कर दिया है ड्राई फ्रूट से जो मैंने पहले से ही चॉप करके रख रखे थे, और साथ में मैंने यहाँ पर उनको जो है खाली भी कर दिया क्योंकि मेरे को कढ़ाई चाहिए थी पुए बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए जी। और मैंने यहाँ पर जो है फिर कढ़ाई में भी घी चढ़ा दिया है ताकि मैं बाकी प्रसाद भी रेडी कर सकूं। और मैं इतने, मेरा घी गर्म होता है इतने मैं अपने पेड़े बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं बनाने हैं, ओनली 7 पूड़ियाँ ही बनानी है मेरे को। तो यहाँ पर ये देखिएगा मेरा घी भी रेडी हो चुका है, और इसमें भी मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और किशमिश मिलाई हैं, और यहाँ पर मेरे पूड़े हो चुके हैं रेडी। बट आप मेरे ना पुओ के शेप पे मत जाना भाई, क्योंकि मेरे को एकदम परफेक्ट शेप नहीं आती है। और आप देख सकते हो मैंने कितने कम ऑयल में, मतलब घी में बनाए हैं, बाद में ना घी बचा रहता है इसलिए मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है। तो आप प्लीज़ सेफ में न जाए, टेस्ट पे जाए, टेस्ट में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी फटाफट अपना खाना रेडी कर लेती हूँ, और यहाँ पर देखिएगा पोहे के साथ साथ मेरी पूड़ी भी रेडी हो चुकी है। और देखो कितने कम घी में मैंने कितने अच्छे से अपनी फुली फुली पूड़ियाँ बना ली हैं। और साथ ही साथ मैं अब यहाँ पर बनाने जा रही हूँ रायता, क्योंकि मेरा रायता रह चुका है अभी बनाने से, तो जल्दी से जैसी ही पूड़ियाँ तलेंगी उसके बाद मैं जो है यहाँ पर रायता बनाऊंगी। एंड गाइस यहाँ पर ना मैं खीरे का रायता बना रही हूँ क्योंकि मेरे को ना खीरे का रायता बहुत ही पसंद है। दही में खीरा ऐड और उसमें मिर्ची और थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर मैं जो है खीरे का रायता मेरा रेडी हो चुका है, और उसके बाद मैं तैयार करूँगी माता रानी की भोग की थाली। तो ये देखिएगा मैं जो है एक कटोरी में निकालूँगी रायता और अपना हलवा जो मैंने बनाया है अभी माता रानी के भोग के लिए, और उसके बाद छोले एंड पुए एंड पूड़ी। यहाँ पर मैंने 7ों पूड़ियाँ रख ली हैं, और साथ में मैं यहाँ पर रखूँगी ड्राई फ्रूट्स, सॉरी ड्राई फ्रूट्स बोल रही हूँ मैं, फ्रूट्स जिसमें मैं रखने वाली हूँ एक सेब एंड एक बनाना। तो ये मेरी प्रसाद की थाली हो चुकी है रेडी, और अब मैं जाने करने जा रही हूँ पूजा। तो आप देखिएगा मैं पूजा, जैसे आप सभी को पता है मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया है, यहाँ पे सारे भगवान जी को भी बैठा दिया है। नहलाने के बाद फिर उनको टीका लगाने के बाद फिर मैं उन पे फूल चढ़ाऊँगी, और ये फूल चढ़ाने के बाद फिर मैं, जैसे मैं डेली रूटीन है मेरा, मैं जो है यज्ञ करूँगी अपना छोटा सा, और फिर कथा पढ़ूँगी। कथा पढ़ने के बाद पहले हवन में सारी चीज़ें भोग प्रसाद की चढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद मैं कथा पढ़ूँगी। कथा पढ़ने के बाद आरती एंजॉय करूँगी। तो आप भी मेरे साथ माता रानी के जयकारे के साथ एंजॉय कीजिएगा मेरी पूजा।
A few moments later. पूजा हो चुकी है अब समाप्त और ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक. ये मैंने जो यज्ञ किया था जो अभी तक मतलब अच्छे से हो रहा है और ये मैंने माता रानी को भोग लगाया था. ये है मेरे मंदिर का फाइनल लुक और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ झांकियों की पिक्चर्स एंड लोग बात कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कितनी खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि आज के दिन हुआ थी बुराई की हार और अच्छाई की जीत का दिन था. आज आज ही रावण का वध हुआ था और आज से 14 दिन बाद दीपावली आएगी जब राम जी अयोध्या वापस आए थे. तो ये देखिएगा कि कितने हर्ष और उल्लास से लोग बाग बना रहे हैं. तो हम भी इंजॉय करते हैं और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. ये देखिएगा बच्चे कितने अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं. आ चुकी है मेरी थाली एंड गाइस मेरी पूजा हो चुकी है समाप्त और मुझे लगी है बहुत तेज से भूख क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा है क्योंकि मुझे पुए ना बहुत पसंद है और मैं खाने जाऊंगी अब पुए. और सभी को एडवांस में, एडवांस तो नहीं कह सकती, ये ब्लॉग जब तक आएगा तब तक दशहरा बीत चुका होगा. आई थिंक दशहरा से एक दिन बाद में आएगा. तो सभी को हैप्पी दशहरा और किस किस ने कैसे कैसे सेलिब्रेट किया दशहरा तो मुझे ज़रूर बताएं और कमेंट्स ज़रूर करें. और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पर एंड क्योंकि मुझसे रुका नहीं जा रहा यार बिना भूख के. और बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, लव यू.